us and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself. Cause everybody tell me that I need. नमस्कार दोस्तों, समय काफी कम और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर खत्म, कौन सी बुक पढ़ें और किस समय पर हम लोग अपनी स्टडी करें, मॉर्निंग या नाइट। कई सारे सवाल हमारे माइंड में दिन रात घूमते रहते हैं और एक मनसा होती है, एक इच्छा होती है, एक डिजायर होती है एग्जाम को क्रैक करने की, कि किस तरह से हम लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें और एक अच्छी सी प्यारी सी जॉब, सरकारी जॉब, जी हाँ सरकारी जॉब किस तरह से प्राप्त करें, किस तरह से हासिल करें, इसको लेकर के हम लोग दिन रात जद्दोजहद करते रहते हैं। कुछ लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट एक लूसेंट जीके की बुक उठा करके उसको खत्म करते हैं, लेकिन जब दिखता है कि समय बहुत कम बचा है, एक महीने में ये बुक फिनिश हो पाएगी, तब लगता है डर क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क हमारे साथ साथ चलता रहता है। कुछ लोग मैक्सिमम फोकस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, कि प्रीवियस ईयर का कोई बुक उन्होंने परचेज कर ली, उस बुक में जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उन पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपका बेस्ट तरीका कौन सा है उसको फाइंड करिए और जो भी पढ़ें वो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि कम पढ़े, अच्छा पढ़े और उसको मैक्सिमम टाइम तक उसको मेमोराइज रखें, उसको अपने साथ संभाल कर रखें। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, सही वक्त पर आपको वो नॉलेज क्लिक हो सके, मतलब कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आप घबराहट के कारण भूल जाएं। जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे, तो देखना कि आपके अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो डैम श्योर कि आप उसका एक राइट आंसर लगा कर ही आएंगे। ढेर मत पढ़िएगा, कम पढ़िएगा, अच्छा पढ़िएगा, मेरी सलाह आपको केवल इतनी ही है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में इसको लाइक करना मत भूलिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर करिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम आज के अपने इस वीडियो में। बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा की जाती है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आज आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन है वन लाइनर जीके के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपको आने ही आने चाहिए और ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने होने चाहिए। ये एक स्टैटिक जीके है, एक यूनिक जीके है जो कई एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगला क्वेश्चन है कर्म ही पूजा है, यह कथन जो था किसने दिया था, ये कथन दिया था गांधी जी ने। फासिज्म, अगला क्वेश्चन है फासिज्म का जनक किसको कहते हैं, बेनिटो मुसोलिनी को। अगला है नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है, नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा है। होंगेकाल झरना जिसको बोलते हैं होंगेकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि अक्षर दसोहा किस बात से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित, साक्षरता से संबंधित, वित्त से संबंधित या फिर कोई अन्य ऑप्शन आपको देगा, लेकिन आपको याद रखना है साक्षरता से संबंधित कौन है, अक्षर। अक्षर क्या होता है, एक वर्ड, ठीक है, एक अल्फाबेट, इसको हम बोलते हैं अक्षर। तो ये संबंध किससे होगा, ये होगा साक्षरता से। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन है, ये पूछ रहा है हमसे आरबीआई की उप गवर्नर महिला, उनका नाम क्या है, उनका नाम है के जे उदेसी। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बेलूर और हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं सदी के हैं। अगला क्वेश्चन मुद्रा स्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परकलित होती है। अगला क्वेश्चन वनस्पति पृथ्वी के अजैव अवयव का उदाहरण है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है, पंपा। गंग वंश के प्रथम राजधानी कोलार थी पुर्तगाली यात्री नुनीज।
मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था, वास्को डिगामा भी भारत आया था, वो क्या था, वो एक पुर्तगाली था और उसने समुद्र मार्ग की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन, सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम बेंगलुरु में स्थित है, सेल को समांतर जोड़ने पर EMF घटता है, 1 माइक्रो फराड 10^-6 फराड के बराबर होता है, बीट फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्य करने पर मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, यह कृष्णा नदी पर, और कहाँ पर है, यह आंध्र प्रदेश में। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, यह है पुणे में। अगला क्वेश्चन, पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए एंजाइम क्या करता है, ये संश्लेषण को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। मोटर कार का आविष्कारक कार्ल बेंज ने किया था। फाउंटेन पेन कोशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है, अमोनिया। बच्चों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप प्लीज नोट जरूर करिएगा। वैसे नोट आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, रिवाइज टाइम टू टाइम करना चाहिए, बट जो क्वेश्चन मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ वो मैं आपको चाहता हूँ कि आप अभी इस वीडियो के साथ में इसको याद करें प्लीज, ठीक है। इसमें आपकी भलाई है, इसी में आपका हित छुपा हुआ है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, पेन पेपर लेके आपको बैठना पड़ेगा मेरे हर वीडियो के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीट सरीसृप पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, लाल क्रांति कहाँ हुई थी, एग्जाम में ये पूछता है, आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि चीन में लाल क्रांति हुई थी और ये कब हुई थी, 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायरॉइड, इसको हम बोलते हैं थायराइड। अगला क्वेश्चन, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस युग में अग्नि का प्रयोग करा जाता था। किसकी बात कर रहे हैं, पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, ये थी अग्नि। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर जो है पेशावर थी। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित करा था। देखिए दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, किसने किसको पराजित करा था, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को कौन से तट पर हराया था, कौन हारा था, यहाँ पर हारा था हर्षवर्धन, और कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी के तट पर। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। अगला क्वेश्चन, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक दिया गया था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन जीडीपी होता है, किसी देश की कितनी वृद्धि हो रही है, कितना वो आर्थिक स्ट्रांग हो रहा है, उसका मेजरमेंट किसके द्वारा करा जाता है, वो करा जाता है जीडीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेफा, नेफा अरुणाचल प्रदेश, इसको बोलते हैं हम लोग नेफा, ये इसका पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन, दमन और दीव को खंबाज की खाड़ी अलग करती है, दमन और दीव को जो डिवाइड करती है, अलग अलग करती है, वो कौन सी खाड़ी करती है, वो करती है खंबाज की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है, जौ।
आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि हम लोग कभी अगर पूजा करते हैं तो पंडित जी हमसे बोलते हैं कि जौ को अपने इस पूजा की सामग्री में जरूर लेके आना। तो जौ की पूजा करी जाती है, जौ हम लोग हर मंदिर के आगे चढ़ाते भी हैं, क्योंकि ये हमारे विश्व का वर्ल्ड का सबसे पुराना खाद्य है, खदान है या खाद्य फसल है। अब जौ का जो हम लोग डेली यूज में लाइफ में इसको काफी कम यूज करते हैं, इसको केवल पूजा जैसी सामग्री में ही इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी इसकी परंपरा है पूजा जैसे कार्यों में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में ये बसा था। 1857 की क्रांति भी आपको पता होगी, मंगल पांडे भी आपको पता होगा, उसको फांसी भी दी गई थी। तो आप इस 1857 की जो ये न्यूमेरिक है, ये जो सन है, इसको आप 1857 के विद्रोह से भी ज्वाइंट करके याद कर सकते हैं। हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई क्या होती है? 3.40 मीटर। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? एडोल्फ हिटलर। और फाजिज्म का कौन था? मुसोलिनी। अगला है, हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं, और पानी का अणु भार 18 AMU होता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रो निगेटिव तत्व फ्लोरीन है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का हो जाता है? ये होता है नीला। अगला क्वेश्चन, कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, मणिपुर में कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है कुकी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A या भी 51K का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है हमारा अनुच्छेद कौन सा है? 51A। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के समय में भारत आया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने करा था? गैलीलियो ने। पित्त का उत्सर्जन यकृत में होता है। भारत में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक जो थे, ये थे ऋषभ देव को माना जाता था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। पारसी या जरथुस्ट धर्म के संस्थापक संत जरथुस्ट थे। यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने करी थी। हरि प्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन तो आप नोट करिए। ये नारा दिया था जय प्रकाश नारायण ने। नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत तथा द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत और बेसर शैली के मंदिर चालुक्य के क्षेत्रों में मिलते हैं। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में निर्मित हुआ था। 7वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में ये सब मंदिर बने थे। कौन कौन से? लिंगराज मंदिर जो कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, और जगन्नाथ पुरी में, और कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये तीनों मंदिर जो बने थे, ये 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ था। जंतर मंतर दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर कहाँ कहाँ पर है? ये चार स्थानों पर है, एक दिल्ली में, एक उज्जैन में, एक वाराणसी में और एक जयपुर में। अगला क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति का संबंध किससे है? आर्कटिक क्षेत्र से। जोग गोरसोप्पा झरना कहाँ पर है? मैसूर में, और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस में।
मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है बैडमिंटन। फिजी की राजधानी सुबह है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में बेलग्रेड में। जी हाँ बच्चों, जो भी आपके हेडक्वार्टर हैं फेमस, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ILO, जो भी फेमस हेडक्वार्टर हैं उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन का वेटेज भी बहुत बढ़ रहा है। अगली बात करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। स्वास्तिक चिन्ह आपका जेड टाइप का होता है, एक सीधा जेड और एक इस तरह का जेड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जेड आप बनाएंगे तो आपका बन जाएगा स्वास्तिक चिन्ह। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख नामों से जाना जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो की मैं यहीं पर समाप्ति करता हूँ। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। अगर मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी कर देता हूँ तो बच्चे वीडियो को ज़्यादा वॉच नहीं करते हैं। इस तरह का मैंने अपना चैनल में देखा है कि बच्चे बहुत कम वॉच करते हैं। हमारे चैनल में क्या, अधिकतर चैनलों का यही फीडबैक है कि हम लोग चैनल बनाते हैं, हम लोग वीडियो डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज हम लोग शेयर कर पाएँ, इसके लिए वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, बट बच्चे 1 से 2 मिनट के बाद में उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के पास पढ़ने का समय बहुत कम है। शायद शायद वो तब ऐसा करते हो। कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोगों का बहुत जल्दी पढ़ने से बोरियत हो जाती है। तो प्लीज, अभी एग्जाम आपका बहुत नियर है तो बोर होने का सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के लेक्चर में बोर हो जाएंगे तो सोचिए आप इतनी बड़ी जंग कैसे पूरी करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस आप कैसे खत्म करेंगे। कम समय में आपको सरकारी जॉब चाहिए, आप सोचते हैं कि 1 दिन की स्टडी में या 12 घंटे की स्टडी में मुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी, तो बच्चों कितनी वैकेंसी में कितने फॉर्म फिल करे जाते हैं पहले तो वो आप नेट पे सर्च करिए, उसके बाद में आप उसका कट ऑफ चेक करिए, फिर आप देखिए। उसके बाद में तीसरा काम ये करिए, आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप MTS की तैयारी कर रहे हैं, MTS का मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लीजिए नेट से, PDF सॉल्व कर लीजिए उसका। और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का देखिए आप कि कितने आप लोग, आपका लेवल क्या है। MTS आपको बताएगा कि आपको तैयारी किस कौन से सब्जेक्ट में कितनी करनी है, ठीक है। अगर फिर भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद में खुद को चेक कर लेते हैं आप कितने पानी में हैं, आप अधिक पानी में होने के बाद में आप 15 मिनट के वीडियो में अगर बोर हो रहे हैं, ढंग से वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके लिए ना तो मैं ना बोलूंगा ना तो मैं हाँ बोलूंगा। समझदार को इशारा काफी है, बाकी आपकी मर्जी बच्चों, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करने से पहले आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए। सीजीएल से संबंधित आपको प्लेलिस्ट जो भी मिले उसको वॉच करिए ध्यान से, इसमें वन लाइनर जी के आपको मिलेगी और मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी रखे हैं इस चैनल के अंदर, तो आप देखिएगा उसको, उसके बाद आप डिसाइड करें आप उसको सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो स्टडी से संबंधित वो राय मुझे को जरूर लिखिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से, उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, टेक केयर। चेक करिए खुद को, आप कितने पानी में हैं और कितने सिक्योर हैं अपना लेवल, विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के सहायता से आप खुद को चेक करिए। धन्यवाद।